Hello everyone, welcome to Dhyandeep Academy. In this session, we are going to discuss one question from UPSC PYQ mains. So, देखते हैं कि question क्या है. Question पूछा गया था regarding petroleum refineries and their location. So, this is the question which is asking the petroleum refineries are not necessarily located nearer to the crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries. Now, अगर आप इस फिनोमिना को देखें, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा कि ये जो भी आपके पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज की कुछ एक आपकी ट्रेडिशनल लोकेशंस थी. ट्रेडिशनली पेट्रोलियम रिफाइनरीज यूज्ड टू बी लोकेटेड एट अ सर्टन लोकेशन, और वो सर्टन लोकेशन क्या थी, तो वो लोकेशन थी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया. और अगर आप कंटेम्प्ररी ट्रेंड्स देखें, कंटेम्प्ररी चेंजेस देखें, और स्पेसिफिकली चेंजेस डेवलपिंग कंट्रीज में देखें, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो भी रिफाइनरीज है, ये रिफाइनरीज इन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से अलग जगह पे आपको लोकेटेड दिखाई देगी. और यही आपको यहाँ पर रीजन प्रोवाइड करना है कि एग्जैक्टली ये फिनोमिना हो क्यों रही है. ठीक है, तो देखते हैं, डिकोड करते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्या क्या इसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी. तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी डायनामिक क्वेश्चन, राइट. व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ डायनामिक क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके पूरे स्टैटिक पार्ट जो है, स्टैटिक पार्ट में कहीं फिट नहीं होता है. जो कंटेम्प्ररी इश्यूज चल रहे हैं, उन कंटेम्प्ररी इश्यूज में से आपको ये क्वेश्चन आते हुए दिखाई देगा, और इसीलिए मैंने इसको एक डायनेमिक क्वेश्चन कहा है. डिमांड भी समझ लेते हैं क्वेश्चन की, डिमांड क्या है. तो डिमांड यही है कि आप जो भी चेंजेस यहां पर हुए, चेंजेस किन चेंजेस की बात कर रहा हूं, जो ट्रेडिशनल लोकेशंस थे पेट्रोलियम रिफाइनरीज के, वहां से लेके अभी नए जो लोकेशन है पेट्रोलियम रिफाइनरी के, उन ये जो चेंजेस देखेंगे, इन चेंजेस को हमें हाईलाइट करना होगा और बताना होगा कि कहां कहां ये सारी रिफाइनरीज आपको लोकेटेड दिखाई देगी. एट द सेम टाइम मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये जो फिनोमिना हम लोग वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में देख रहे हैं, और स्पेसिफिकली इवन इन इंडिया ये जो भी फिनोमिना हो रही है, ये सारी की सारी फिनोमिना की रीजंस एग्जैक्टली क्या होगी. एंड फाइनली आई विल ड्रॉ वन मैप, एक मैप को लेकर आपको ये सारा ही फैक्ट आपको मेंशन करना होगा. नाउ लेट अस सी इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, कि जनरली आपकी जियोग्राफी के जो भी इंट्रोडक्शन होंगे, एक तो वो डिफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है, या वो एक कोई फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन आपको दिखाई देगा. नाउ यहां पर जो इंट्रोडक्शन है, एक फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, और ये जो भी फैक्ट होगा कहीं ना कहीं एक रिफाइनरी को लेके, और वो भी स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक लोकेशन जो भी होगा रिफाइनरी का, उसको लेके आपको फैक्ट प्रेजेंट करना होगा. ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली इसमें फैक्ट क्या हो सकता है. दूसरा, अगर आप बॉडी पार्ट देखें, बॉडी पार्ट में आपको क्या क्या चीजें एड्रेस करनी है, तो बॉडी पार्ट में आपको इन रिफाइनरीज की लोकेशन और इनकी जो लोकेशनल फैक्टर्स है, किन फैक्टर्स के कारण ये लोकेशंस पाए जाते हैं, ये चीज आपको यहां पर हाईलाइट करनी होगी. डेवलपिंग कंट्रीज में जो पैटर्न है आपको उसको बताना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न है डेवलपिंग कंट्रीज में, उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है. ओके, सो ये सब आप एक्सप्लेन करें. एट द सेम टाइम आप लास्ट में इफेक्ट भी बताएं. इफेक्ट आपको पूछा नहीं गया है, डायरेक्टली आपको कोई नहीं पूछ रहा है कि इन सारी चीजों का इफेक्ट क्या होगा, बट सिंस आई एम डिस्कसिंग दिस फिनोमिना, मुझे कॉजेस बताने हैं. मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो भी शिफ्ट हुआ है इंडस्ट्री में वो एग्जैक्टली कैसा है, उसके बाद में उसके इफेक्ट भी लिख लूंगा, राइट. एंड आई विल बी मेंशनिंग दिस इफेक्ट मे बी इन 20 वर्ड्स 30 वर्ड्स, कुछ एक छोटा सा मार्जिन लेके मैं इफेक्ट को मेंशन करूंगा, और कंक्लूजन में इफ पॉसिबल मैं अपना वे फॉरवर्ड टाइप कंक्लूजन यहां पर प्रेजेंट करूंगा. तो इस प्रकार से आपको ये पूरे क्वेश्चन को अप्रोच करना है. देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में मैंने क्या चूज किया है लिखने के लिए. तो सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन की बात हमने करी, तो एक फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था. तो मेरे पास इंडिया की दो रिफाइनरीज है, एक रिफाइनरी है वाडीनार रिफाइनरी, दूसरी एक रिफाइनरी है पानीपत रिफाइनरी, और ये दोनों ही रिफाइनरी बेहद नई रिफाइनरी है. अगर आप इन रिफाइनरीज का लोकेशन देखें, तो ये वाडीनार रिफाइनरी जो है, तो ये एक पोर्ट के पास है, ठीक है, और पानीपत रिफाइनरी ये इंटीरियर में लोकेटेड है, और दोनों ही रिफाइनरीज क्रूड ऑयल के जो लोकेशंस है उनसे बेहद दूर है, और इसीलिए ये मैं इंट्रोडक्शन में चूज करूंगा कि देखिए ये वाडीनार एंड पानीपत रिफाइनरी जो है, दे आर लोकेटेड और दे आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन एरियाज ऑफ क्रूड ऑयल और क्रूड पेट्रोलियम, एंड दैट इज हाउ वी आर सीइंग अ न्यू पैटर्न इमर्जिंग वेयर रिफाइनरीज आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द क्रूड प्रोड्यूसिंग एरिया. क्लियर, तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन. नाउ
I will move on to the next part कि ये जो भी refineries है, refineries के locations क्या क्या हो सकती है या क्या factors उस location में आपको highlight करने हैं. तो ये location जो होती है, तीन type की locations आपको यहाँ पर दिखाई देगी किसी भी industry की. रॉ मटेरियल बेस्ड लोकेशन होती है, मार्केट बेस्ड लोकेशन होती है और पोर्ट बेस्ड लोकेशन होती है. ठीक है, तो एक ब्रीफ किसी एक डायग्राम में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज की लोकेशन क्या क्या होगी. तो एक लोकेशन होगी जो पोर्ट बेस्ड लोकेशन है, दूसरी लोकेशन जो होगी वो मार्केट बेस्ड लोकेशन है, और तीसरी लोकेशन हो सकती है कि वो रॉ मटेरियल बेस्ड लोकेशन है. क्लियर. नाउ इसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि अगर मैं डेवलपिंग कंट्री में जा रहा हूं तो डेवलपिंग कंट्री में मुझे क्या पैटर्न दिखाई देती है. तो डेवलपिंग कंट्री में मुझे रॉ मटेरियल बेस्ड रिफाइनरी इतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती. क्लियर. इसके रीजंस मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले मुझे यहां पर पैटर्न मेंशन करना है. पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी डिफाइनेटली आपको दिखाई देगी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में. एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा जब भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहे हैं. यू along with this particular pattern mention the example. India में port based refinery के कई सारे examples है. आप जामनगर refinery का example दे सकते हैं, आप Kochi refinery, Mangalore refinery, इन सारे ही refineries का यहाँ पर example दे सकते हैं. market based refinery भी है India में या किसी भी developing country में. अब देखिए यहाँ पर question जो पूछा गया है ये developing country को लेकर पूछा गया है, but problem ये होगी कि developing countries के बारे में हमारे पास इतनी सारी information नहीं है. तो मैं इसको थोड़ा सा Indianize करूंगा, right? इंडिया के जितने भी examples हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास definitely आप किसी भी हाल में आप ऐसा prepare ही नहीं कर सकते कि जो भी petroleum refineries हैं all across the globe कहां कहां petroleum refineries हैं और specifically जो developing countries हैं उसमें कहां petroleum refineries हैं. तो वो तो example आपके पास नहीं होंगे, right? तो मेरे पास फिर shortcut क्या है? मेरे पास shortcut है कि जहां जहां relevant examples मैं इंडिया से दे सकूं वो सारे ही examples मैं यहां पर quote करूंगा. So, तो पहले मैंने पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज के एग्जांपल्स कोट करे. मार्केट बेस्ड में मैं भटिंडा जाऊं, पानीपत जाऊं या मथुरा जैसे रिफाइनरीज की यहां पर बात कर सकता हूं. सो दीज आर सम लोकेशंस और लोकेशनल फैक्टर्स जो आपको डेवलपिंग कंट्री में दिखाई देंगे. नाउ मूविंग ऑन, ऐसे रीजंस क्यों है ये भी हमें हाईलाइट करने पड़ेंगे. नाउ आई जस्ट एड वन मोर पॉइंट. यहां पर एक और लोकेशन आपको दिखाई देगी. ये लोकेशन हो सकती है डेवलपमेंट बेस्ड लोकेशन. ठीक है, कई बार रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के तहत कोई भी कंट्री अपने किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में ऐसा कोई एक प्रोजेक्ट लेकर जाती है जिस कारण से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, और रिफाइनरीज ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिन कारण से इन्वेस्टमेंट हो और उस अंडर डेवलप्ड एरिया की डेवलपमेंट हो. तो इंडिया में डेवलपमेंट के पर्पस के लिए भी रिफाइनरीज इंस्टॉल हुई है. उसके अगर एक कुछ एग्जाम्पल दिए जाए तो एमपी में एक रिफाइनरी है विच इज कॉल्ड एज बीना रिफाइनरी. ठीक है, मध्य प्रदेश की एक रिफाइनरी है, तो वो आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल होगा. तो कुल मिला के चार पैटर्न्स हो सकते हैं, और चार पैटर्न्स में से प्रोमिनेंटली किसी भी डेवलपिंग कंट्री में आपको ये तीन पैटर्न आज की घड़ी में दिखाई देंगे. रीजंस की अगर बात करें तो रीजंस में सिंपल रीजंस है. सबसे पहले ये सारी ही डेवलपिंग कंट्री जो है मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रही है. आप पोर्ट पर इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं पर रिफाइनरी बनाना एक लॉजिकल स्टेप होगा, तो इसीलिए कई सारी रिफाइनरीज आपकी पोर्ट बेस्ड है. अदर देन दैट, रिफाइनरीज के साथ या किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ एक चैलेंज ये होती है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की नेटवर्क चाहिए, राइट? अगर मान लीजिए आप कहीं पोर्ट में रिफाइनरी बना लिए हैं, लेकिन वहां से बाकी जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इनलैंड तक आपको ट्रांसपोर्ट कर लेके जाने पड़ेंगे, और जब आपको वो ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉल करना है या ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी पाइपलाइंस वगैरह वो आपको बनानी है, तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है. बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है. एंड दैट इज व्हाई ये जो कंट्री होगी डेवलपिंग कंट्री, ये मार्केट बेस्ड लोकेशन को चूज करेगी. तो इसीलिए हमारे यहाँ मथुरा में रिफाइनरी है कि क्रूड ऑयल आप मथुरा तक पहुंचा दीजिए, पानीपत या भटिंडा तक पहुंचा दीजिए, वहां पर फिर जो भी पेट्रोल के प्रोडक्ट्स बनेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसको लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और आपका जो वन टाइम एक्सपेंस है, मैसिव एक्सपेंस है, आप उस वन टाइम मैसिव एक्सपेंस को बचा रहे हैं. एट द सेम टाइम चीप लेबर भी इंडिया में पाया जाएगा, या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में लेबर कॉस्ट थोड़ा कम है, और उस कारण से एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए भी रिफाइनरीज के लोकेशंस हो सकते हैं. और ये जो एक्सपोर्ट बेस्ड लोकेशंस है, अगेन ये कहां पर होंगे? ये पोर्ट बेस्ड लोकेशंस ही आपको दिखाई देंगे. एंड फाइनली आई कैन हैव
रीजनल डेवलपमेंट का गोल और रीजनल डेवलपमेंट के गोल के लिए भी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, ग्रोथ पोल करके कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, ग्रोथ पोल के जैसे ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट करेगी और उस कारण से किसी भी एक बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट होगा। सो ये हो गए आपके लोकेशंस जो आपने जस्टिफाई कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए कि किस किस कारण से किस प्रकार के लोकेशंस आपको दिखाई देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट, पूछे गए हैं क्या, नहीं पूछे गए हैं, इवन दो आई विल बी राइटिंग कपल ऑफ इफेक्ट्स, आप दो तीन भी लिखें तो भी सफिशियंट होगा। मैंने यहाँ पर इफेक्ट्स मेजरली मेंशन कर दिए हैं, आपके डेवलपमेंट के गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट से बच रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर अर्निंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू, क्योंकि आप कई सारी रिफाइनरीज एक ही पर्पस के लिए लगा रहे हैं, दैट पर्पस विल बी एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में जो हेवीली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट रिफाइनरी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जामनगर की रिफाइनरी। निगेटिव एस्पेक्ट भी है, इस प्रकार का पैटर्न जब आप देखेंगे उस पैटर्न का एक मेजर फॉलोआउट होगा कि फ्यूल कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फ्यूल्स है उनको ट्रांसपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तो दैट इज वाई फ्यूल्स विल बी कॉस्टली। इंटीरियर रीजन जो है वहां पर पोल्यूशन होगा, और ये भी कहा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट के गोल्स है ये हमेशा ही मीट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप यहां पर मेंशन कीजिए कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री उसके कुछ डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, अगर आप डेवलपमेंटल गोल्स को ध्यान में रखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें फिर एक दिक्कत आएगी, दैट विल बी पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेस, इतने रिसोर्सेस नहीं है, डेवलपमेंट करनी है रिसोर्सेस नहीं है और उस कारण से चैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए ये जो इंडस्ट्रीज है ये इंडस्ट्रीज इंस्टॉल करते हुए आपको एक डिफरेंट पैटर्न डेवलप होते हुए दिखेगा जो कि हमें यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब ये पैटर्न डेवलप होगा तब हमें क्या सोचना है, हमें उसकी एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी को ध्यान में रखना होगा, एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। नाउ वी विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू एवरीबॉडी।